तो मैं अभी आया हूँ जो है आज जो है टार्च लेने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा टार्च है और बहुत छोटा छोटा है लेकिन बहुत महंगा है और जापानीज टेक्नोलॉजी का है। तो बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे और मैंने जो है देख सकते हैं यहाँ पे ये चार जो है चार है ये पाँच हाँ पाँच टार्च है ये और 20 KD 900 का है यानी 20 × 40 इंडिया का करीब हो गया 5000 के करीब। तो ये भी है सनफोर्ड का है और बहुत सारा टार्च है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है बहुत सारा है। और मैं देखा यहाँ पे वैसे टार्च काफ़ी मतलब महंगा है इंडिया में, हालांकि ये टार्च मिलता नहीं है, इस वजह से मैंने जो है कोशिश किया कि यहाँ से ले लूँ। बहुत सारा टार्च जो है और देख सकते हैं अभी मैंने ये जो है ये टार्च परचेज़ किया है, ये ले लिया है। तो भाई ने पूरा चेक करके मुझे बिल वुल जो है दे दिए हैं और इसके अंदर पूरा बैटरी और सब कुछ मैंने चेक करके जो है लिया हुआ है। और ये देख सकते हैं बिल है और इस पर पूरा ब्रांच जो है दिया हुआ कहाँ कहाँ है। और दो टार्च और एक्स्ट्रा मैंने मतलब लिया है और इस तरह से बहुत सारा टार्च रखा है। एक एक टार्च देख सकते हैं बड़ा बड़ा टार्च है, ये एक टार्च देख सकते हैं 13 KD 990 का एक टार्च है। और ये सबसे बड़ा वाला टार्च जो है, ये सबसे बड़ा वाला भाई कितने का है? वो अभी 12 दिनार 490 में, 12 दिनार 490 का है, 3000 मीटर दूरी है। और ये भी देख सकते हैं ये 10 KD 990 है, मतलब कि एक एक टार्च का इतना कीमत, यानी कि एक टार्च 3000-4000 का इंडियन पड़ जा रहा है। तो वैसे जापानी टेक्नोलॉजी है, ये टार्च इंडिया में मिलता नहीं है जल्दी, तो इस वजह से जो है हाँ देख सकते हैं भाई जो है रोशनी मार के दिखा रहे हैं। कौन सा कंपनी है ये? सनफोर्ड की है नया, सनफोर्ड का ये नया। कितने का है ये? ये आएगा 9 दिनार 490 का, सिंगल टार्च। सिंगल टार्च देख सकते हैं, सिंगल टार्च एक पीस का 9 दिनार कितना है? 9 दिनार 490 450 का। देखा ये वाला टॉर्च मैंने जमीन में मारा ना? हाँ 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 देखो भाई, किसी को बताना है? हाँ वही वही यही है मारा। देख लो, देखो भाई ये टार्च जो है गिरा के भी दिखा रहे हैं, इस वजह से मैंने ये टार्च लिया है भाई, जापानी टेक्नोलॉजी वाला बताएं। देख सकते हैं इतने हाइट से गिरा दिए हैं लेकिन ज़मीन पे गिरने के बाद भी टार्च देख सकते हैं अभी भी जल रहा है, बंद नहीं हुआ है। तो ये है जापानी टेक्नोलॉजी का टार्च, इस वजह से जो है मैंने जो है लिया ये टार्च और काफ़ी अच्छे से भाई साहब एक्सप्लोर कराएं। और मैं जो अभी भाई मैं ओलिव मार्केट में हूँ और देख सकते हैं भाई जो है ये टार्च जो है दिखा रहे हैं, एक नया टार्च है अभी ये जल्दी आया हुआ है। और इसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में जरा बता दीजिए आपको। अभी फ्लैश लाइट है देख सकते हैं जो दिखा रहे हैं जला के पूरा, ये फ्लैश लाइट है। हाँ और इसका रेंज है 2000 का है, 3000 mAh बैटरी पावर देता है इसका। हाँ और अभी नया टेक्नोलॉजी जूम सिस्टम भी है इसके अंदर, आपको जूम भी कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई जूम करके भी वहाँ फ्लैश दिखा रहे हैं। दरअसल अभी यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा इस वजह से उतना नहीं दिख रहा लेकिन बहुत अच्छा जो है दिखा रहे हैं इधर। और इसके पीछे हैमर भी है यानी कि कील भी टोक सकते हैं आप, चाहे कुछ भी रहेगा तो, अगर आपको अनब्रेकेबल भी है नीचे जमीन में डालेगा तो भी कुछ नहीं आएगा। और इसका 2 साल वारंटी भी देता है कंपनी आपको, इसका बैटरी भी अच्छा पिकअप है। सनफोर्ड नाम देख रहा है, हाँ सनफोर्ड का दिख रहा है। कौन सा टेक्नोलॉजी है, जापान का है ये? चाइना का है, चाइना का है, जापान का है। जापान का तो आपको अभी नहीं दिखाया ना, हाँ यहाँ पे पूरा जो है टार्च दिखाया है, इसमें है जापान का भी है चाइना का भी है। हाँ और रॉयल बेटिंग का ओन कंपनी है यानी कि ये वाला, इसका आता है जर्मनी, मेड इन जर्मनी का। सबसे अच्छा टार्च कौन सा होता है भाई? सनफोर्ड का, सनफोर्ड का ना, जापानी टेक्नोलॉजी सनफोर्ड का, जापान का भी रहता है चाइना का भी रहता है। जापान का लेके जाएंगे तो आपको लॉन्ग लाइफ है, अच्छा यूजेबल करना। चलो तो भाई ने जो बताया जैसा कि जापानी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा बेहतर होता है तो मैंने जापानी टेक्नोलॉजी का ही लिया है। तो और भी आगे का और स्पेसिफिकेशन मैं आपको जो है रूम पे दिखा दूंगा ओपन करके। अभी फिलहाल मैं ओलिव मार्केट में हूँ और ओलिव मार्केट में देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मतलब मिल रहा है पूरा, देख सकते हैं ऊपर मिक्सर से लेके सब जो भी है पूरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान ही है। इलेक्ट्रॉनिक वार्ड में मैं आया था तो यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट भी है, छोटा लाइट बड़ा लाइट इस तरह का है पूरा, जितना भी है ऑफर भी है यहाँ पे, ऑफर भी देते हैं। और देख सकते हैं एक ऑफर में मैं ये देख के आया था, ये
उधर दूसरे जगह जाके देखेंगे तो ये जो है 20 केडी के करीब में, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे ओली मार्केट में ऑफर में लगा हुआ 11 केडी 900 में चार टार्च। हालांकि मैं यही लेने वाला था, लेकिन भाई ने मुझे जो है बता दिया कि ये थोड़ा दुबई का मॉडल है और जापान वाला लेंगे तो और अच्छा रहेगा, तो गाँव के लिए ज़्यादातर जापान वाला ज़्यादा बेहतर होता है। तो भाई के कहने पर मैंने वो जापानी टेक्नोलॉजी वाला ले लिया। हालांकि ये भी टार्च सही है, ऐसा नहीं कि ख़राब है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं गाँव लेके जाने वाला था इसके वजह से मैंने वो भाई के कहने की वजह से मैं ये ले लिया, क्योंकि वो जो है टार्च अक्सर उनका काम है रोज का सेलिंग करना, तो अगर चाहते तो कस्टमर लोग को ये बोल के जो है कर सकते थे कि नहीं आप ले लो हमारा फायदा होगा, क्योंकि ज़्यादातर यही बोलते हैं। लेकिन उन्होंने एक अच्छे के लिए बताया और मैं उनका बात जो है अच्छी तरह से समझ गया और मुझे अच्छा भी लगा और मैंने जो है उनका कहने के हिसाब से टार्च ले लिया। वो लॉन्ग लाइफ टार्च है इस वजह से मैंने वो ले लिया। तो चलिए ठीक है, फिर जो है अब आगे की और वीडियो जो है दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर भाई हमारे जो है क्या नाम है भाई आप अपना नाम बता दो। सैयद। तो इन्होंने जो है वो टार्च हमको जो है दिखाया है जापानी टेक्नोलॉजी का और ऊपर से गिरा के जो है इन्होंने दिखा दिया है और काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर करा दिया हमें। तो मतलब इन्होंने अपने स्तर से बता दिया, वो थोड़ा महंगा टार्च पड़ा भले ही, लेकिन बहुत ही अच्छा टार्च है। तो ये टार्च जो है मैं अभी इंडिया लेके जाने वाला हूँ और ओरिजिनल टार्च है। तो चलिए ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो है ये किया। और ये हमारे चौहान भैया हैं साथ में जो आए हुए हैं और जो है, तो दोस्तों देख सकते हैं ये है सनफोर्ड का जो है टार्च, और जो कि इंडिया में ये टार्च ज़्यादातर मिलता नहीं है और काफ़ी जो है मतलब इंडिया में इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और लोग सभी लोग मतलब ये चाहते हैं कि ये टार्च जो है मिले, क्योंकि इस टार्च का मेन खास बात यह है कि ये जो है 1600 मीटर के रेंज में आता है। और देख सकते हैं इसका जो है इस तरह का पूरा जो है दिखाया हुआ है, 3SL बैटरी का है। तो दरअसल मैं भी इंडिया आने की सोच रहा हूँ, इंडिया आने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मतलब बोला था कि हमसे कि जो है ये टार्च लेकर आना, तो चूँकि दोस्तों अभी कोरोना का जो है ये चल रहा है वंदे भारत मिशन के तहत जो है चल रहा है फ्लाइट, तो इस वजह से मैं ज़्यादा जो है नहीं लेके आ पा रहा हूँ, क्योंकि मतलब मेरा फैमिली खुद जो है काफ़ी बड़ा है। तो मैं पिछली बार चार टार्च जो है लेके गया था, तो पिछली बार वाला वो काफ़ी लोग जो है वीडियो काफ़ी लाइक किए और काफ़ी जो है लोगों ने कमेंट भी किया कि भाई मुझे जो है ये वीडियो मतलब ये टार्च मुझे मिलेगा कैसे कहाँ मिलेगा। तो मैंने बहुत कोशिश किया कि भाई आप लोगों के लिए मतलब मैं लेके आऊँ, लेकिन इतना ज़्यादा डिमांड हो गया भाई कि मैं मतलब कि किस किस के लिए लेके आएगा और कहाँ से मतलब इतना सारा टार्च नहीं लेके आ सकते हैं। और टिकट भी जो मतलब अभी इस समय निकल रहा है उस पर 30 kg जो है लगेज है, 30 kg से ज़्यादा नहीं लेके आ सकते हैं। तो देख सकते हैं ये टार्च महंगा होने का क्या रीज़न, ये क्यों इतना महंगा मिलता है वो मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं जो है अभी इसमें जो है तीन टार्च में देखिए यहाँ पे रेडियम लगा हुआ है ये, और ये इस तरह से है और देख सकते हैं वार्निंग दिया हुआ कि आँख पे डायरेक्ट जो है नहीं मार सकते हैं। और देख सकते हैं ये भी जो है सेम ये तीन टार्च में जो है LED लगा हुआ है और इसमें एक में रेडियम नहीं लगा हुआ है। लेकिन इसका जो है बैटरी आप देख सकते हैं, मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते इतना ज़्यादा जो है बैटरी इसका इतना काफ़ी बड़ा है। सनफोर्ड का भी 3SCCL बैटरी, मतलब कि 3 बैटरी इसमें लगा हुआ है, 1, 2, 3 बैटरी लगा हुआ है। इस तरह से जो है सब में जो है चार बैटरी का जो है। और ये टार्च जो है महंगा क्यों मिलता है, क्योंकि मैं वीडियो जो है जहाँ से इसको ख़रीदा हूँ, मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो आगे आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, वो भाई जो है इस टार्च को ऐसा जो है जला के और टाइल्स पर काफ़ी देर जो है गिरा दिए ज़ोर से, लेकिन टार्च को कुछ भी नहीं हुआ। तो देख सकते हैं इसमें जो है ये इस तरह का चार्जिंग जो है मिलता है, चार्जिंग पोर्ट, और ये जो है चार्जिंग भी देख सकते हैं इसका जो है इंडिया में जो है इंडिया वाले बोर्ड में लगेगा नहीं, इसके लिए अलग से जो है आपको वो लेना पड़ेगा। तो अभी मैं एक में जो है लगा के आपको जो है जला के भी दिखा दे रहा हूँ ये लास्ट वाले में, ताकि आपको जो है मालूम पड़ जाए। देख सकते हैं इसका बैटरी भी किस तरह से जो है, बैटरी भी काफ़ी बड़ा बड़ा एकदम जो है गोले के जैसा मतलब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारूद है, बम है। तो सनफोर्ड कंपनी का है, हालांकि ये जापान का है, यहाँ पे देख सकते हैं मेड इन जापान लिखा हुआ, ध्यान से जो है दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा मालूम नहीं, सनफोर्ड और देख सकें मेड इन जापान। तो इस तरह से अगर खरीद के लिखा रहेगा तो समझ लो ओरिजिनल है, क्योंकि यहाँ पे बेचते हैं लोग तो ये डुप्लीकेट भी देते हैं, मतलब कि ऊपर से लिखा रहता है। तो देख सकते हैं मैं इसको खोल के और आपको एक सेल लगा के जो है दिखा देता हूँ, ताकि जो है आप लोगों को मालूम पड़ जाए ये टार्च जो है महंगा क्यों है। इसका वही रीज़न है जो बता रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, कि मतलब इंडिया में पता नहीं क्यों इसका इतना ज़्यादा डिमांड है और इंडिया में मिलता भी नहीं ये टार्च। तो देख सकते हैं मैंने जो है लगा दिया, और देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं जला रहा हूँ, देख सकते हैं जल रहा है कैसा, देख सकते हैं
और वो जो है भाई साहब जो जिन्होंने हमको दिखाया वो जो है ये करके जो है इसको गिरा के भी दिखाए थे। मैं वीडियो भी आपको जो है दिखा रहा हूँ आगे कि जो है किस तरह से जो है बनाए थे। तो दोस्तों इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये नहीं था कि मतलब आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैंने ये टार्च लिया है और ये मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत से लोग अभी कमेंट करें कि जब तू लाएगा नहीं तो फिर वीडियो क्यों दिखा रहा है ये हो, तो भाई बहुत से लोग उल्टा सीधा कमेंट करेंगे। तो देखो भाई मैं कोशिश करता लेके आने के लिए और लेके भी आता, लेकिन इस समय क्या है कि फ्लाइट जो जैसी चल रही है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, मतलब कि 30 kg से ज़्यादा आप लेके जा नहीं सकते और आदमी जो है यहाँ से बहुत सारा सामान लेके जाएगा, खाली एक ही चीज़ लेके भी नहीं जा सकते। अगर एक चीज़ खाली लेके जाएंगे तो क्या होगा कि जो है यहाँ पे कस्टम वाले जो है बोलेंगे कि यहाँ से जो है बहुत सारा सामान लेके जा रहा है, इंडिया में जो है सेल करता होगा, तो कस्टम वाले जो है मतलब कि एयरपोर्ट पे बहुत दिक्कत करेंगे। तो इस वजह से जो है ज़्यादा मतलब नहीं लेके जो है आ रहे हैं, बस 4 पीस लेके आ रहे हैं, वो भी 4 पीस लेके आ रहे हैं कि मतलब देखेंगे कैसा जो है। तो ये 4 पीस मैं आपको जो है रेट दिखा दे रहा हूँ कि मतलब ये 4 पीस का जो है कितना रेट लगा है, ताकि आप लोगों को भी जो मालूम पड़ जाए। तो एक मैंने और भी टार्च लिया हुआ है, मतलब हालांकि ये सस्ता देख सकते हैं, ये भी मैंने लिया हुआ है, इसको भी आपको ओपन करके जो है दिखा देना ताकि आपको ये भी मालूम पड़ जाए। इसमें क्या है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो ये देख सकते हैं, ये भी इसका चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है और ये कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये भी बोलते हैं बहुत ज़्यादा टिकाऊ है, बहुत टिकता है, तो देख सकते हैं इसमें दोनों है, ये यहाँ पर भी जलेगा इस तरह से और यहाँ से बंद करेंगे तो यहाँ से भी जलेगा, देख सकते हैं इधर भी जलेगा। तो ये भी जो है काफ़ी जो है महंगा है दोनों, लेकिन अब मतलब कि समझ लो कि ज़्यादा दिन के बाद जा रहे हैं तो कोशिश यही की है कि ले लेते हैं और फिर देखेंगे यूज़ करके कैसा होता है, क्योंकि अगर हम किसी को लेकर अगर जो देंगे और मान लो अगर नहीं चलेगा तो बाद में ये बोलेंगे कि यार उसने जो है गलत किया ऐसा वैसा। तो इस वजह से मैं अभी किसी के लिए नहीं लेके आ रहा हूँ। दरअसल बहुत ज़्यादा जो है ये चल रहा है कोरोना के कहर की वजह से जो है ज़्यादा मतलब फ्लाइट में ज़्यादा ये नहीं है टिकट। तो देख सकते हैं मैंने 2 ये लिया है और ये टार्च जो है कितने का मिला है वो भी आपको जो है दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको जो है मालूम पड़ जाए। तो देख सकते हैं ये बिल है इसका 19 KD 990, यानी 20 KD है 4 टार्च का, ये सैनफोर्ड वाले का देख सकते हैं, ओलिव है पर फहील मार्केट से मैंने लिया हूँ कुवैत में 6 दिसंबर 2020 को। और ये जो है छोटे वाले टार्च का, इसका भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ग्रैंड हैपर में मैंने लिया है 1 KD 990 फेल्स का। तो ये 20 KD का आपको कुवैत करेंसी आपको जो है चेक करके जो है दिखाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो है मालूम पड़ेगा 20, यानी कि एक टार्च करीब समझ लीजिए कि 2 40 और 80, यानी मान के चलिए कि 4800 का ये 4 टार्च है।